तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है इसे, इस पार्ट को। डू यू हैव एनी आइडिया क्यों एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों नाम दिया गया है? कुछ बता सकते हो? है कहां पे? नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसके वजह से क्या होगा? है अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसा कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट होंगे कैसा कॉन्फ्लिक्ट होगा? एग्जाम्पल वो वाला एज हम पार कर चुके हैं, ठीक है? वो एक स्ट्रगलिंग फेज था, तो उस टाइम पे भी तीन किंगडम्स डोमिनेंट थे, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं रहेगा, ठीक है? एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहां दो सेंस में है, एक इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और एक अरब वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। राइज ऑफ इस्लाम, ठीक, वहां पे कैलिफेट की कॉन्फ्लिक्ट अरब वर्ल्ड में, जिसके कारण सिया सुन्नी ये कम्युनिटी सामने आएंगी। उसके बाद इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या? आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ या डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुर्जारा प्रतिहाराज इन नॉर्दर्न इंडिया, द एंटायर नॉर्दर्न इंडिया विल बी सब डिवाइडेड इंटू वेरी स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, ठीक? गुर्जारा प्रतिहाराज जब हैं तो अरब इंडियन मेनलैंड में नहीं आ पा रहे, जब वो टूट जाएंगे बेसिकली बिखरेंगे, उसके बाद फिर मेनलैंड में इन्वेजन पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? द गुर्जारा प्रतिहाराज विल बी डिसइंटीग्रेटेड इंटू वेरी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एंड दीज आर द एग्जांपल्स। गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, परमर्स ऑफ मालवा, चौहान्स ऑफ अजमेर एंड दिल्ली बोल सकते हैं, चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, ये सारे छोटे छोटे किंगडम्स में पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, और ये लोग एक दूसरे के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। अब वो बहुत पैसा कमा लिया है, वो अब उसका वरना ऊपर हो गया है, ठीक है? ये मैंने पिछले क्लास में बताया तो था, पैसा आया तभी तो इतना शानदार आर्किटेक्चर बना पाए वो खजुराहो, ठीक है? तो मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है कि इतने सारे किंगडम्स में बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे, कोई भी एक ऐसा पावरफुल राजा नहीं होगा जो कि नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट करके रख पाए, एटलीस्ट एक बड़ा सा किंगडम बना पाए। इनमें से सबसे ज्यादा नाम हम किनका सुनते हैं? चौहान साहब अजमेर। हम देख लेंगे अभी क्या है बैकग्राउंड इनका एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू दिल्ली आल्सो, वो भी देख लेंगे। चौहान्स एंड गढ़वाल्स ये दोनों एक ही फैमिली लीनियज हैं, फिर भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा।